मिस्टर अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। अली आवाज नहीं आ रही यार। यार थोड़ी देर रुक जाओ, आवाज सॉरी ऑन हो रही, उसके बाद सॉरी बात बोले ना। सॉरी सर, अब आ रही आवाज मेरी? जी, अब आ रही आ रही। जी तो मैं कह रहा था कि पहला हमारा क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हमने पहले भी ऑलरेडी भी किया हुआ है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर यार करेंगे। जूम कर दो, हेलो जी, सॉरी, जूम कर दो। ओके वेट, जरा जान हो रही है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। जी मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? हेलो। हो रही शेयर। अच्छा तो पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो हम इनपुट लेंगे किसी भी यूजर से। तो उसको हमने इंट नम का नेम रख दिया और सीन कर दिया नम। अब हम एक लूप चलाएं। थोड़ी जूम करो,
अच्छा यार, अच्छा किसी को पता है कैसे स्क्रीन ये होगी? भाई कंट्रोल दबा के ना माउस का ऊपर बॉल घुमाओ। टूल्स में जाओ, टूल्स में। कंट्रोल जेड दबाओगे? नहीं, कंट्रोल सॉरी जेड नहीं होता, एडिटर ऑप्शन। यार अगर माउस आ जाओ, कंट्रोल पकड़ो और स्क्रॉल को ऊपर की तरफ हो तो उतनी जूम हो जाएगी। भाई टूल्स में जा, टूल्स में जाके एडिटर ऑप्शन। वो फॉन्ट आ गया है, फॉन्ट को इंक्रीज कर दे, जनरल के साथ फॉन्ट है। यार भाई जिसको अपनी स्क्रीन जूम करनी है ना, वो कंट्रोल का बटन दबा के स्क्रॉल करे माउस से, तो उसकी स्क्रीन अब ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगी। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सही है भाई, हो गया, बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ जी, हो गया जी सर, हो गया। ओके। हाँ जी, तो एक वेरिएबल लिया जो इनपुट हम यूज़र से लेंगे, उसको नम का नेम रख दिया और उसको सीन करवा दिया। अब हमने एक फॉर लूप चलाना है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसका मतलब ये होता है कि उससे जो प्रीवियस नंबर होते हैं उनका मल्टीपल। लेट्स सपोज फोर का हमने फैक्टोरियल लेना था, फोर को थ्री से भी, टू से भी, और वन से तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम जो आई है उसको लेस देन और इक्वल टू उस नम के नंबर कर देंगे, जो हम जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है उससे लेस देन कर देंगे, और आई प्लस प्लस। भाई जान रिकॉर्डिंग चल रही? जी भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ठीक। अच्छा तो यहाँ हुआ क्या है, लेट्स सपोज अगर हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, फोर पुट करते हैं, तो नम की वैल्यू फोर होगी, तो आई जो है वो वन है। पहले फैक्ट जो हमने उसको वन के इक्वल किया है, तो पहले आई की वैल्यू वन थी, तो आई वन से मल्टीप्लाई होकर वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नम की वैल्यू फोर है, इसलिए वो फिर एक तो प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू टू होगी, तो नीचे आया फैक्ट वैल्यू उसमें स्टोर होकर वन हो गई थी। और इसी तरह अब आई की वैल्यू टू है, तो टू मल्टीप्लाई वन होगा तो वो टू हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, लूप चलेगा, आई की वैल्यू थ्री होगी, फैक्ट में वैल्यू टू हो गई थी, स्टोर हो गई थी, तो थ्री जो है टू से मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो जाएगा। फिर लूप चलेगा और आई की वैल्यू फोर होगी, तो नम की वैल्यू भी फोर है, तो जो उसमें स्टोर सिक्स वैल्यू, फोर मल्टीप्लाई सिक्स 120 हो जाएगा 28। तो इसको हम रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज फाइव किया, तो फाइव का फैक्टोरियल आ गया 120। ये कैसे आया, नम की वैल्यू फाइव थी, तो अगर इसको ड्राई रन करें तो वो लूप बार बार चलेगा। लूप कितनी दफ़ा चलेगा? पांच दफ़ा, और जो पहले से स्टोर वैल्यू होगी फैक्ट उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में? हेलो यार बावे, एक यार। दफा वाइल से करके दिखा दे यार। ओके दोस्त, जस्ट एक मिनट। अच्छा आप कह रहे हो कि इसको मैं वाइल से कर दूं, तो वाइल लूप में और फॉर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है? वाइल लूप, बल्कि फॉर लूप वाइल लूप से ज्यादा इजी है। तो हाँ, आसान तो है, बस एक दफा करके। इसको हम इसको जो वेरिएबल्स हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं उसको हम सिंपली उसको बाहर डिक्लेयर कर देंगे।
जी दोस्तों ये है आपका व्हाइल लूप, ठीक है व्हाइल लूप, आप मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे सेमी कोलन आएगा, हेलो दोस्त ये आपका फोर का फैक्टोरियल आ गया व्हाइल लूप से, ठीक हो गया। व्हाइल लूप और फॉर लूप में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बल्कि फॉर लूप जो इजी है वो वन लाइनर है और ये थ्री टू फोर लाइनर है, फॉर लूप ज्यादा इजी है। किसी का और क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन में? नहीं भाई क्लियर है, क्लियर है। चलो मैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने किसी भी नंबर का उसकी बेस लेनी है और उसकी पावर लेनी है और वो हमने फाइंड करना है, जैसे लेट्स सपोज 2 की पावर उन्होंने एग्जांपल दिया 2 की पावर 3 हो तो 8 होता है, हमने उसकी पावर फाइंड करनी है। तो पावर फाइंड करते हैं, चलें जी एक दो वेरिएबल्स हम ले लेते हैं, एक बेस और एक पावर, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब हमने यूजर से बेस भी लेनी है और पावर भी लेनी है, सीन बेस और पावर। ठीक है, और अब हम यहाँ फैक्टोरियल की बजाय एक और वेरिएबल जिसको हम मैं एन कह देता हूँ वो ले लेंगे, यहाँ पे दो लूप लगेंगे, एक लूप बेस के लिए और एक लूप पावर के लिए। भाई ये आई लेस देन इक्वल टू नम, इसका सॉरी क्या मैं कर देता हूँ, मैं सॉरी इसको चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल हमने डिफरेंट कर दिया तो यहाँ पे मैं पावर कर देता हूँ, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n, तो n पहले n की वैल्यू 0 1 है या इसकी वैल्यू 0 कर लो या 1 0 ही कर लो पहले, चलो ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पुट ना हो, तो n की वैल्यू पहले क्या है 0। तो हमने एक किसी भी चीज की उसकी पावर फाइंड करनी है, उसकी बेस और पावर दोनों, जैसे कि हम 2 लेते हैं तो 2 की पावर 3 उसके लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अब जो बेस है उसको हमने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है ताकि उसकी उतनी पावर, अगर 2 बेस और पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 2-3 मरतबा मल्टीप्लाई आपस में होगा, अगर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 × 3 तीन दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बेस को हम आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस हम लेंगे, लेट्स सपोज हम 2 बेस लेते हैं, बेस 2 है और पावर हमारे पास 3 है, तो आई हमारे पास 1 है, पावर हमारे पास 3 आ गई, तो इसका मतलब वो आपस में तीन दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, जब पहली दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा फिर 2 उसमें मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा फिर होगा तो वो 6 8 हो जाएगा, वो आपस में मल्टीपल उसके बनी जाते हैं, जितनी दफा हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी पावर बनी जाती है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं 2 जैसे कि एग्जांपल में दी और 2 बेस और 3 पावर, सॉरी यहाँ पे एक और मसला आ रहा है। अच्छा तो पावर और बेस हमारे पास जो भी होगी हम उसको एन से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एन में स्टोर करवा रहे हैं, वो आई में नहीं एन में स्टोर होना है, तो इसका मतलब पहले हम बेस ले रहे हैं 2,
तो n की वैल्यू 1 है, तो एक दफ़ा लूप चलेगा, i लेस देन 4 है तो लूप चला और उसकी वैल्यू n में स्टोर होगी 2। अब दूसरी दफ़ा दोबारा लूप चलेगा, उसकी वैल्यू जो पहले से स्टोर होगी n में वो बेस से मल्टीप्लाई होते जाएगा, मतलब जितनी हम पावर लेंगे उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कराएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो बेस 2 ले ली और पावर ले ली 3। अब ये देखें ये 8 प्रिंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, बेस मैंने ली 2 तो n में पहले वेरिएबल हमने एक उसकी वैल्यू रखी हुई, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो n में स्टोर हो गया 2, एक दफ़ा लूप चल गया। अब दूसरी दफ़ा फिर पावर की वैल्यू हमने 3 ली हुई है तो 2 लेस देन 3 जी 3 वो नीचे आया, फिर उसने जो n में वैल्यू स्टोर थी उसको फिर बेस से मल्टीप्लाई करवाया, तो ऑलरेडी बेस में जो 2 पड़ा हुआ था तो फिर वो बेस से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। फिर तीसरी दफ़ा फिर लूप चला, n की पावर की वैल्यू 3 है तो 3 लेस देन 3 जी 3 तो लेस देन एंड इक्वल टू 3 वो फिर नीचे आया, n में स्टोर वैल्यू हो गई थी 4 और फिर तो दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। हम इसको किसी और वैल्यू के लिए भी रन करके देखते हैं, लेट्स सपोज कि बेस 5 और बेस 5 और पावर 3 रखो। ओके, बेस 5 और पावर 3 ये आप एक भाई ने कहा कि आप ये रखो, तो ये देखें बेस 5 रखी और पावर 3 रखी तो उसका जो आंसर आया 125 आया और यही करेक्ट आंसर है, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो यही आंसर आएगा। समझ आई भाई? हाँ भाई आ गई। और किसी का क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन? ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है जी के यार, एक मिनट यार, ये लूप कैसे चल रहा है जरा कमेंट करके बता दोगे आगे डबल स्लैश लगा के कि कैसे चल रहा है? जरूर, आपका कहना है कि लूप कैसे चल रहा है, तो पहले हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1 और बेस हमने कितनी ली थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर हमने पावर की वैल्यू ली हुई थी 3, पावर कितनी हमारे पास 3 लेस देन 1 जी ठीक है, नीचे आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ 2 हो गया। अब लूप फिर दोबारा ऊपर गया और 2 हो गया प्लस प्लस होके आई इज इक्वल टू 2 हो गया, पावर हमारे पास 3 है तो 2 लेस देन 3 जी 3 नीचे आया। अब जो n में स्टोर वैल्यू थी वो थी तुम्हारे पास 2 थी और बेस में हमने जो ली हुई है यूजर से वो भी 2 ली हुई है, तो फिर एक दफ़ा दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वही इक्वल टू 4 हो गया। अब फिर लूप चला, पावर की वैल्यू 3 है और i प्लस प्लस होके 3 हो गया, जी इक्वल टू 3 है, फिर लूप चला, n में हमारे पास वैल्यू हो गई थी स्टोर 4 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 2, मतलब पावर तो, में अली पावर में 1 प्लस इंक्रीमेंट होता जा रहा है, सिंपल बात यही है। ही फिर पावर में इंक्रीमेंट जैसे होगा लूप जैसी चलती रहेगी, पावर बेस के साथ पावर ऐड होती रहेगी, होती रहेगी। पावर हमारे पास फिक्स है, हमने पावर उसकी फिक्स ली है, लेकिन जो आई की वैल्यू वो उस उतनी मर्तबा चलेगा, हमने जितनी पावर ली हुई उतनी मर्तबा चलेगा और बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएगा। इसका मतलब ये होता है पावर का कि जो वैल्यू लें उसको उतनी दफा उसमें मल्टीप्लाई करवाओ, अगर 5 की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो इसका मतलब 5 को 5 से 5 दफा मल्टीप्लाई करवाओ, ये होती हमारे पास पावर। अब ये हो गया फिर तो ये कोड हमारा जेन फिर तुम्हारा ये कोड एक किस्म का जेनरिक बनता है ना, क्योंकि हम अपनी तरह से जितनी मर्जी वैल्यू डालते हैं। हां जी बिल्कुल, ये जेनरिक कोड है, वो तो एक एग्जांपल दी हुई है, जो क्वेश्चन में दी हुई है एक एग्जांपल है, हमने एक जेनरिक कोड बनाया है जिसमें हम जितनी भी बेस भी दे सकते हैं पावर भी दे सकते हैं, वो हमारे पास उसकी आउटपुट हमें निकाल के दे देगा। अब्दुल्ला भाई आपको कोई और क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब्दुल्ला भाई अली इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की? जी भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ये और किसी का इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक नहीं है। चले थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमने फैक्टोरियल फाइंड करना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना और वो n वैल्यू तक होना चाहिए, मतलब कि अगर हम 10 n वैल्यू पुट करते हैं तो उसका मतलब वो 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यू उसका फैक्टोरियल फाइंड करके हमें दे दे। अगर हम 20 लेते हैं तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक हमें 20 वैल्यू उसका फैक्टोरियल फाइंड करके देखें, तो चलें इसको करके देखते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंपल थोड़ी सी चेंजिंग के साथ ही हमारा कोड सेम हो जाएगा। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट
सॉरी एक और लूप लगेगा इसमें, एक और वैल्यू पर डिक्लेयर कर लिया जिसको हम जे का नेम दे दिया, जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन एंड इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। और गन फैक्ट अच्छा तो अब इसमें क्या है, अब इसमें उसने हमें कहा है कि कोई भी वैल्यू लेंगे और उससे पिछली जो सारी वैल्यूज होंगी उनका फैक्टोरियल फाइंड करके हमें वो दे देगा, तो ये कैसे देगा ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा तो हमने एक लूप लिया जिसमें हम जो आई उसमें एक आई फैक्टोरियल डिक्लेयर करवा दिया और उसको लेस देन कर दिया नम जो हम किसी भी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उससे लेस देन वाली हम सारी वैल्यूज का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो ये वन से चलेगा, वन से फैक्टोरियल फाइंड करना शुरू करेगा और उस नंबर तक चलेगा जिस नंबर तक हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। अच्छा अब हमने फाइंड करना है वन से लेके ऑनवर्ड सारे नंबरों का फैक्टोरियल फाइंड करना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले वो जो हमारे पास आई की वैल्यू होगी उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू वन है, तो j इज इक्वल टू वन, हाँ जी i इज इक्वल टू वन, तो इक्वल टू नीचे आ गया फैक्टोरियल, चला फैक्टोरियल की पहले वैल्यू इज इक्वल टू वन है और i के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वन आ गया, तो वन का फैक्टोरियल भी वन होता है। अब फिर दोबारा ऊपर लूप जाएगा, i प्लस प्लस होकर टू हो गया, लेस देन वो जो नंबर हमने लेट्स सपोज टेन पुट किया था, टेन से लेस है, ठीक है, नीचे आया। अब i की वैल्यू हमारे पास टू है और ये j दोबारा शुरू से चलेगा, अब j इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल वन मल्टीप्लाई वन हो गया, जी वन फैक्टोरियल में स्टोर हो गया, अब फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट हुआ एक का, j इज इक्वल टू टू हो गया और लेस देन टू जी, ठीक है। अब i हमारे पास टू था तो फैक्टोरियल में जो हमारे पास स्टोर था वो भी वन था, अब टू मल्टीप्लाई वन हो गया तो वो फिर फैक्टोरियल आ गया, टू का फैक्टोरियल भी टू होता है। अब अगर थ्री देखें, थ्री लेस देन टेन जी नीचे आया, i इज इक्वल j जो लेस देन i है तो i इज इक्वल टू थ्री है, पहले j इज इक्वल टू वन चलेगा जी, चलेगा वन इज मल्टीप्लाई बाय वन फैक्टोरियल में वन स्टोर हो गया, फिर j इज इक्वल टू टू हो गया, अब नीचे आया j हमारे पास क्या है, j हमारे पास हो गया टू, तो अब टू से मल्टीप्लाई होगा और फिर सॉरी यहाँ पे j है, अब जो उसमें पहले वैल्यू वन थी वन स्टोर हुई, जैसे टू हो गया, जे टू हो गया, टू से मल्टीप्लाई होकर टू हो गया, फिर जे थ्री हुआ, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू हो गया सिक्स हो गया। मैं एक दफा इसको रन करके दिखाता हूँ फिर जाता हूँ। लेट्स सपोज हमने एट तक सब वैल्यूज के फैक्टोरियल फाइंड करने, यार इन फैक्ट इज इक्वल टू वन ना पहले लूप के अंदर ले, क्योंकि बार बार फैक्टोरियल की वैल्यू रिफ्रेश करनी हो, सॉरी सॉरी सब टोटल जो वैल्यूज हैं वो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू रिफ्रेश करनी होती है, अगर बाय लेंगे तो जो बाकी वैल्यूज होती जाएंगी वो उसमें स्टोर होती जाएंगी और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो उसमें स्टोर कर देगा, लेकिन हमने उसको दोबारा रिफ्रेश करना, लूप चलाना बार बार और फैक्ट्री वैल्यू वन से शुरू से रिपीट करनी। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो इसको लूप के अंदर चलाना है,
लूप के अंदर रखना है। अब मैं 6 तक का फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ, तो ये देखें ये सब नंबरों के फैक्टोरियल उसने निकाल के दे दिए। अब ये कैसे हुआ, लूप चलेगा, हमने 6 तक के वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमने नम लिया 6, आई लेस देन 6 है, जी 6 से अंदर आया, फैक्टर की वैल्यू हमने 1 उसकी इनपुट दी हुई थी, तो जे इज इक्वल टू 1, आई भी 1 है जी, ट्रू है, नीचे आया, फैक्टर की वैल्यू 1 थी, जे मल्टीप्लाई में फैक्ट हुआ तो 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, जे आई की वैल्यू 2 होगी, नम की वैल्यू अभी भी 6 ही है, तो जे ट्रू है, नीचे आया, फैक्ट की वैल्यू दोबारा रिफ्रेश होगी, इक्वल टू 1 होगी, तो अब आई जे लेस देन आई और आई की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये लूप 2 दफ़ा चलेगा। पहले जे इज इक्वल टू फैक्ट से 1 है, तो वो फैक्ट से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, फैक्ट में 1 स्टोर हो गया। फिर जे में एक इंक्रीमेंट हुआ, जे इज इक्वल टू 2 हो गया, फैक्ट में ऑलरेडी हमारे पास 1 स्टोर था, तो जे 2 से जे 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर वो 2 उसका फैक्टोरियल निकल आया 2 का, जो कि 2 ही है। फिर ऊपर गया लूप, और जे में एक इंक्रीमेंट, आई में एक इंक्रीमेंट हुआ, तो आई हो गया 3, लेस देन 6 अभी भी वो ट्रू है, नीचे है, फैक्ट की वैल्यू दोबारा रिफ्रेश हुई, 1 होगी। अब दोबारा से वो 3 दफ़ा लूप चलेगा, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर जो वैल्यू आएगी 1 उसको फिर वो 2 से मल्टीप्लाई कराएगा, वो 2 हो जाएगी, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएगा, तो वो 6 हो जाएगा। इसी तरह ये 6 तक वैल्यूज उसको फैक्टोरियल फाइंड करता जाएगा। अब हम इसके लिए जितनी भी वैल्यू देंगे वो फाइंड कर देगा, चाहे हम इसके लिए 50 वैल्यूज दे दें या 1000 दे दें, उस सबका वैल्यूज हमें फैक्टोरियल फाइंड करके दे देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो ये देखें 20 तक की जो वैल्यूज उनका फैक्टोरियल बनता है वो हमें फाइंड करके दे देगा। ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई क्योंकि यहाँ पे हमने डबल लगाना है, इंट जो है वो एक स्मॉलर इंटीजर है, अगर हम डबल यहाँ पे लगाएंगे तो पावर के साथ हमें दे देगा निकाल के। किसी का क्वेश्चन हो इस सवाल में? हेलो, क्लियर है? किसी का क्लियर है? जी जी। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के हमने जो हमारे पास जो ऑड नंबर है हम उनका फैक्टोरियल फाइंड करना है। क्या है, जो ऑड नंबर है उनका फैक्टोरियल फाइंड करना, और जो इवन नंबर उनको एज इट इज वहीं पे प्रिंट कर देंगे। तो चलो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल ही फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है जिसमें हमने इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्ट ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड करें तो जिनका हम मॉडुलस लें तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये हमें कॉमन सी बात सर ने हमें बताई हुई है ऑलरेडी कि ऑड नंबर्स वो हैं जिनका अगर हम मॉड लें तो वो 0 के इक्वल ना आए तो वो ऑड नंबर, और अगर कोई इवन नंबर उसका मॉडुलस लें वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास इवन नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑड नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना और इवन नंबर का जो है वो एज इट इज प्रिंट कर देने। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि अगर 1 का वो लेता है 1 का मॉडुलस बट 2 लेता है तो वो 0 के इक्वल नहीं है, 3 का लेता हो तो वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या करे, सी आउट करवा दे उनका फैक्टोरियल। एल्स मतलब कि अगर वो हो तो फिर वो उसी को एज इट इज प्रिंट करवा दे आई को, तो यहां पे हम सिंपली उसको आई को प्रिंट करवा देंगे जो आई की वैल्यू होगी। जे को नहीं प्रिंट करवाएंगे, मेरा ख्याल है जे को करवाएंगे। नहीं, जे को क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने आई की वैल्यू देखनी है और उसको हम चला रहे हैं,
देखो ना, या अगर हम जे को लेस देन कर रहे हैं आई के, जे को हम लेस देन कर रहे हैं आई के, हम उसका फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, समझ? ठीक है, अगर मैं इसको चला के देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, जी मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 9 कर देता हूँ, तो 1 का फैक्टोरियल 1 है जी, 1 है, 2 का फैक्टोरियल तो वो नहीं प्रिंट करेगा जाहिर सी बात है, लेकिन 2 का फैक्टोरियल भी है 2 और वैसे भी 2 है, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। अब 3 का फैक्टोरियल प्रिंट करेगा तो वो 6 है, उसने 3 का फैक्टोरियल प्रिंट किया एक ऑड नंबर का, 4 इवन नंबर, उसने उसका फैक्टोरियल प्रिंट नहीं किया, उसने एज इट इज़ उसको प्रिंट कर दिया, फिर 5 एक ऑड नंबर, उसका भी उसने फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया, 6 ऑड नंबर, उसका नहीं किया। ये आगे सीरीज चलती जाएगी जितने हम चलाएंगे, समझ आए? अगर हम जे प्रिंट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है यार? जे अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो जे की सारी वैल्यूज को देखे। अब लेट्स सपोज के जे अगर इधर रखता हूं मैं, तो पहली बात तो ये चलाएगा नहीं, क्योंकि हमने जे यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं करवाया, जे तो सेकंड लूप के अंदर है, और ये हम फर्स्ट लूप के बाहर वाला काम कर रहे हैं, ये हम फर्स्ट लूप के बाहर वाला काम कर रहे हैं। जे हम अगर इसके मतलब अंदर रखते एल्स में, एल्स में हमने आउटर लूप वाला वेरिएबल रखना है, जी आउटर लूप वाला इसलिए करना है कि जी, क्योंकि हमने जो ऊपर वाला लूप चल रहा है ना वो नंबर्स के फैक्टोरियल्स के लिए चल रहा है, और जो नीचे वाला फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए चल रहा है, मतलब यहाँ पे हम 1 का फैक्टोरियल के लिए ये लूप चलाएंगे, 2 के फैक्टोरियल के लिए ये लूप चलाएंगे, 3 के फैक्टोरियल के लिए भी ये लूप चलाएंगे, ऊपर वाला जो नंबर है वो फैक्टोरियल के लिए उस चल रहा है, और नीचे वाला उसको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो भाई? ये मैं एक दफा और रन कर देता हूँ, मतलब इसको मैं 12 दफा चला देता हूँ, तो देखो कि ये ओनली और नंबर्स के जो है फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है। जी किसी का क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर इसके जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि इवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना, तो ये उसके उल्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी जगह आई लिख देंगे, नॉट इक्वल की जगह हम वो कर देंगे इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू या करो या इसकी वैल्यू चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, दोनों ही सेम है, मतलब कि जो नॉट इक्वल टू है उनको आई कर दो और जो इक्वल टू है उसको फैक्ट कर दो, सही है? एक मिनट जरा यार, जी बच्चों यार वो थोड़े से बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए मैंने कहा उनको साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा तो अब हमने इसका उल्ट किया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इवन नंबर है उनका फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर का ऑलरेडी हम कर चुके, इवन का करेंगे, इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 12, तो ये देखें कि जो हमारे पास इवन नंबर है उनका फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा, बाद हमारे पास ऑड है इसका नहीं करेगा, 2 का फैक्टोरियल ऑलरेडी 2 है वो प्रिंट कर देगा, 3 नहीं करेगा, 4 का फैक्टोरियल 24 वो प्रिंट कर देगा, 5 का नहीं करेगा 6 का फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा, ये ऑनवर्ड सीरीज जितना हम उसके एन की वैल्यू इनपुट देंगे उसको तब तक वो चलाता जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो जी, जी क्लियर है। ओके अगर क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जी हमारे पास ये है कि पहले वो 1 का फैक्टोरियल प्रिंट करे, फिर वो करे 2 का फैक्टोरियल बाय 2, फिर वो करे 3 का फैक्टोरियल बाय 3, फिर 4 का फैक्टोरियल बाय 4, ये n वैल्यूज तक चलेगा, जो हम n की वैल्यू इनपुट देंगे तब तक चलेगा। क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो वो देख सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन बता भी रहा हूँ कि क्वेश्चन है क्या,
कि पहले वो 1 का फैक्टोरियल प्रिंट करेगा, फिर 2 का फैक्टोरियल बाय 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 3 की फैक्टोरियल बाय 3 की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 4 का फैक्टोरियल बाय 4 प्रिंट करेगा। तो मैं इसको करता हूँ, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल तो सबका निकाल ही रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ सिंपली एक काम कर देंगे यहाँ पे कि उसको फैक्टोरियल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो उसकी रीजनल वैल्यू। ये लेट्स सपोज यहाँ पे आई आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए जो फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड होगी उसको 1 से डिवाइड कर देगा, फिर आई की वैल्यू 2 है तो 2 का फैक्टोरियल होगा उसको 2 से डिवाइड कर देगा। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई। इसका मतलब क्या है कि पहला लूप चला, पहले आई की वैल्यू 1 है जी, उसने आई का फैक्टोरियल फाइंड किया, ठीक है। अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 ही और आई का फैक्टोरियल भी आ गया, तो फैक्टोरियल जो आई को आई का होगा उसको आई से ही डिवाइड कर देंगे। 1 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 भी 1 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह 2 है तो 2 का फैक्टोरियल फाइंड किया, 2 आ गया, उसका फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा और आई की वैल्यू क्या हो गई थी 2, तो उसको डिवाइड कर देगा। फिर 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेगा और उसको 3 से डिवाइड कर देगा। 4 का फैक्टोरियल फाइंड करेगा और उसको 4 से डिवाइड कर देगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो चलें जी मैं यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 1 का फैक्टोरियल क्या 1 है जी, 2 का फैक्टोरियल भी 2 है और उसको 2 से डिवाइड करेगा तो 1 ही आ जाएगा। फिर 3 का फैक्टोरियल 6 है और 6 को 3 से डिवाइड करेगा तो वो 2 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल 24 है और उसको 4 से डिवाइड करेगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल 120 है और उसको 5 से डिवाइड करेगा तो 24 आंसर आ जाएगा। समझ आई? हाँ आ गई है। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह है कि हमने पावर फाइंड करनी है, हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 एंड ऑनवर्ड। जितना हम n की वैल्यू देंगे, n की वैल्यू n तक, वो हमें सारी प्रिंट करके देगा वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल भी एक पावर के नेम से ही डिक्लेयर कर देता हूँ। अच्छा तो पावर की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई हमारे पास 1 है, जो नंबर लेंगे लेट्स सपोज 5 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, जितना भी कंडीशन ट्रू है। नीचे आया की जगह पावर, स्टोरी में करता हूँ, पावर नहीं लिख रहा हूँ, पावर ही लिखना है। पावर, तो पावर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 1 रख ली, और अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक क्या करना है कि जो बेस होगी उसकी उतनी ही पावर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 एंड ऑनवर्ड, जितनी भी होगा। इसका मतलब है कि हम उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे जितनी दफ़ा उसकी पावर होगी। तो अब हमारे पास पावर का वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 1 है और आई हमारे पास 1 है, तो आई की पावर हमने एक दफ़ा ही लेनी है, तो आई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब हम लेते हैं 2, आई इज इक्वल टू 2, नीचे आया, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पावर को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, आई से। तो पहले पावर की वैल्यू क्या 1, तो जे की वैल्यू 1 है, एक दफ़ा लूप चलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 हो गया, उसमें पावर में स्टोर कर दिया। फिर दूसरी दफ़ा फिर दोबारा लूप चला, जे
इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, लेस देन 2 ठीक है 2 है, आई की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही है, तो पावर में जो स्टोर है वो भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4 होती है। अब इसी तरह फिर आई चलेगा, आई इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, जे लेस देन 3 है, तो ये 3 दफ़ा चलेगा, 3 जो है वो 3 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहले एक दफ़ा 1 से होगा, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर दोबारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको रन करता हूँ, जी तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 9। तो ये देखें, पहले 1 की पावर 1 करेगा 1 आ गया, 2 की पावर 2 किया 4 आ गया, 3 की पावर 3 किया 27 आ गया, 4 की पावर 4 किया 256 आ गया, 5 की पावर 5 करेगा 3 125 आ जाएगा। ये ऑनवर्ड जितनी हम चलाते जाएंगे चलता जाएगा, उसकी उतनी ही पावर फाइंड करता जाएगा, जितनी बेस होगी उतनी ही पावर के साथ उसको फाइंड करता जाएगा। समझ आई? हाँ आ गई है इसकी जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं। अच्छा तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है कि इवन नंबर और ऑड नंबर की पावर्स फाइंड कर देगा, यहाँ पे हमारे पास है ऑड नंबर्स की पावर फाइंड करनी है। क्या करना है? पावर यहाँ पे हम सिर्फ एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ, क्या लगाएंगे, हमने फाइंड करना है ऑड नंबर्स के लिए, तो हम नॉट इक्वल टू करेंगे, इफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो पावर को प्रिंट कर दे, जो भी नॉट इक्वल टू होगा उसकी पावर प्रिंट करता जाएगा, और ये 1, 3, 5, 7 ऑनवर्ड उसकी पावर प्रिंट करता जाएगा जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो रन किया, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो 1 का उसने किया, फिर 3 का किया, फिर 5 का किया, और फिर 7 का किया, ये ऑड नंबर्स की सीरीज प्रिंट करता जाएगा उनकी पावर्स के साथ। जी समझ आ गई? हाँ हो गई, आ गई, ये भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा सेम ही है, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब उसमें हमने क्या करना है कि जैसे हमने ऊपर किया है कि 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल बाय 2, फिर 3 का फैक्टोरियल बाय 3, यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम करना है कि जहाँ भी हमने 1 का फैक्टोरियल फिर 2 का फैक्टोरियल बाय 2 किया था, या यहाँ पे करेंगे 2 की पावर कर देंगे, मतलब कि 2 का फैक्टोरियल बाय 2 की पावर, फिर 3 का फैक्टोरियल बाय 3 की पावर, फिर 4 का फैक्टोरियल बाय 4 की पावर, ये ऑनवर्ड सीरीज चलती जाएगी एंड नंबर्स तक जो हम इनपुट उसको देंगे। इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा पावर के लिए, एक लूप चलाना पड़ेगा फैक्टोरियल के लिए। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल फाइंड करता हूँ, इंट इज इक्वल टू 1 फॉर लूप, इंट के इज इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू आई, एंड के प्लस प्लस। Is equal to multiply by k, और हमने find क्या करना है, factorial by power, तो ये आएगी values, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको फ्लोट कर देते हैं ताकि हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करके दे दे। दोनों को हम क्या कर देते हैं,
लॉक में कर देते हैं। एक्ट डिवाइडेड बाय पावर, तो ये क्या करेगा, पहले आई इज इक्वल टू वन है, जी वन है, उसके लिए उसका उसकी पावर फाइंड करेगा, पावर फाइंड करेगा, फिर नीचे आएगा उसके लिए उसका फैक्टोरियल फाइंड करेगा, जब ये दोनों चीज़ों फाइंड कर लेगा फिर वो नीचे इनका डिवाइड करेगा, उसकी डिवीजन को सी आउट करेगा। भी ये मैं इफ को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें इस पर कंडीशन ही लगानी है, सब नंबर्स के लिए फाइंड करना है। तो वो क्या करेगा, पहले वन के लिए उसकी फैक्टर को उसकी पावर से डिवाइड करेगा, फिर टू के लिए उसकी फैक्टोरियल को उसकी पावर से डिवाइड करेगा, फिर थ्री को उसकी फैक्टोरियल को उसकी पावर के साथ डिवाइड करेगा। ये ऑनवर्ड सीरीज चलती जाएगी जो हम एन नंबर्स को देंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। हमारे पास नंबर ले लेता हूँ मैं 9। तो ये देखें, पहले हमारे पास पावर क्या आई थी, वन की पावर भी वन है और फैक्टोरियल भी वन है, तो उसका डिवाइड होके वन ही आ जाएगा। लेकिन जो टू की पावर है वो फोर है और उसका जो फैक्टोरियल है वो टू है, तो टू डिवाइडेड बाय फोर इक्वल टू आ जाएगा 0.5 के। फिर ऐसे ही जो थ्री की, जो थ्री का फैक्टोरियल है वो थ्री की पावर से लीस्ट है, कम है, तो डिवीजन होके 0.22 जो उसका आंसर बनता हुआ आ जाएगा। इस तरह ऑनवर्ड ये चलता जाएगा एन वैल्यूज तक जो हम वैल्यूज को इनपुट देंगे। इज इट क्लियर, समझ आई किसी को? हेलो, हाँ हाँ हो गया, हो गया, हाँ हो गया, हो गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है। कौन सा प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन? हमने 1 से लेके 1000 तक प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। एक मिनट होल्ड डाउन करना मत। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही। नो हो गई है? अच्छा चलो, तो क्या क्वेश्चन था, हमने प्राइम नंबर फाइंड करना है 1 to 1000, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम थोड़े से कम लीस्ट नंबर के लिए उसको चला के देख लेते हैं, मतलब कि मैं कहता हूँ कि 100 के लिए इसको चलाते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब दूसरा लूप चलाया, इसमें हम एक वेरिएबल लिया k इज इक्वल टू 1,
आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। हाँ। स्क्रीन ही शो हो रही, एक मिनट। अब शेयर हो रही है, जो कि बताते हो रही हो गई। अच्छा तो क्या था, हाँ जी, तो हमने क्या करना था, सो तक के लिए पहले करते हैं, फिर जार के लिए भी कर लेते हैं। प्राइम नंबर फाइंड करने हमने वन से लेके थाउजेंड तक, तो पहले मैं इसको हंड्रेड के लिए चला के देखती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अच्छा दो लूप चलाने हमने, पहले हमने वो वैल्यू रखनी है पहले लूप में जिस जहाँ तक हमने इसको चलाना है, जहाँ तक हमने उसको फाइंड करना है, तो 100 तक फाइंड करना है। अब दूसरा लूप चलाया जिसमें एक वेरिएबल जे डिक्लेयर किया, जे को लेस देन इक्वल टू करेंगे आई बाय टू से और आई प्लस प्लस, मैं कर लूँ बाद में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और एक और काम करेंगे यहाँ पर हम भूल वन बाई टू से लेस देन रखेंगे जी जी अरे मैं बताता हूँ वो भी मस्ती रीजन बताता हूँ। एक फ्लैग वेरिएबल रखेंगे उसको हम पहले क्या तो If more plus two is equal to zero. Let is equal to यार आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही दोबारा यार। जी हो रही है, हो गई है। तो यार सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे जिसमें वो वैल्यूज देंगे जहां तक हमने उसको चलाना है। अब बूल के बारे में तो पता ही ना कि वो ट्रू या फाल्स को प्रिंट करता है, ट्रू या फाल्स कंडीशन को लगाता है। तो किसी ने पूछा कि यार ये आई इज इक्वल टू टू क्यों करेंगे, तो इसलिए करेंगे क्योंकि यार प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी से डिवाइड नहीं होते। तो अगर आई इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे उसके हाफ तक वो डिवाइड नहीं होता होगा ना, तो उसका मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर है, उसके हाफ तक ही मैक्सिमम वही होगा ना जो उसको डिवाइड करेगा, मैक्सिमम वो होगा उसका हाफ होगा जो उसको डिवाइड कर सकेगा। तो इसलिए हम उसका हाफ लेंगे ताकि उसको डिवाइड करने पता चले कि उसको डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू जो होगी वो जे से डिवाइड करेगा, इक्वल टू जीरो करेगा। अगर वो इक्वल टू जीरो कर देता है इसका मतलब वो फाल्स है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो जे से इक्वल जे से वो उसको मॉडुलस उसका नहीं लिया जाता तो उसका मतलब वो कि वो ट्रू है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने नीचे कंडीशन लगा दी, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग फाल्स है तो आई को प्रिंट करे, क्योंकि इसका मतलब है कि वो जो वो वैल्यू को प्रिंट करेगा जो डिवाइड नहीं होती। पहले ऊपर उसने कंडीशन लगाई आई मॉडुलस जे इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू हम आई की लेंगे वो जे से डिवाइड हो जाए, जे की वैल्यू भी हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई टू से शुरू होनी हो, आई डिवाइडेड बाय टू तक चलनी है, जितनी भी वैल्यूज होंगी उसे डिवाइड करेगा, इक्वल टू जीरो आ जाता है उसका मॉडुलस, तो उसका मतलब है कि वो डिवाइड हो जाता है। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो कहता है कि अगर वो फॉल्स हो रही है तो वो फिर आई को प्रिंट करे, तो फिर वो क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा, आई वो वैल्यूज को प्रिंट कर देगा जो उसकी प्राइम नंबर्स वाली वैल्यू है। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूँ कोई मसला नहीं। तो ये देखें, पहले 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कि आपकी स्क्रीन की बार बार चल जाती है। फिर चली गई है? हाँ फिर चली गई। एक बार मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट इशू ना हो। जी हो रही है शो। बोरी जी, तो देखो क्या किया, समझ आई इस क्वेश्चन की? यहाँ पे किया गया, मैंने किसी को अच्छा चलो मैं दोबारा बताता हूँ, आप मेरी बात सुनो, पहले ऊपर वाले को खत्म कर दो क्योंकि हमने इसको इनपुट तो लेनी नहीं है कोई इसकी। अच्छा तो पहला लूप जो हम चलाएंगे उस वैल्यूज के लिए चलाएंगे जिस जहाँ तक हमने उसकी लिमिट लगानी है। लेट्स सपोज हमने 100 तक उसके प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो हम उसकी लिमिट लगा देंगे 100 तक। ये मैंने यहाँ पे गया, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अच्छा तो एक नंबर लिया जो इक्वल टू 1 है, उसको नंबर लेस देन इक्वल टू 100 किया, 100 तक हमने उसको चलाना है। तो बूल फ्लैग जो आपको पता है ट्रू या फॉल्स कंडीशंस के लिए यूज होता है। फिर एक इंटीजर लिया आई इज इक्वल टू 2, उसको लेस देन नम डिवाइडेड बाय 2 किया, नम डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया ताकि हम उसके हाफ तक की वैल्यूज को चेक कर सकें, जो भी नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाफ से डिवाइड होगा, उससे ऊपर वाले नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि 9 है तो वो 4.5 से नीचे नीचे नंबर्स वाला उससे डिवाइड हो सकेगा, आप 5 से तो वो डिवाइड हो, 4.5 से नीचे 3 भी आ जाता है उससे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 4.5 से ज़्यादा 5 से वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको वहाँ तक चेक करेंगे उसके हाफ तक, उसके हाफ तक चेक करेंगे ताकि वो वहाँ तक वैल्यूज की प्रिंट करें। तो फिर जो ये कंडीशन लगाई नम, उसको मॉडुलस आई से लिया तो इक्वल टू 0 अगर आ जाता है इसका मतलब ये कि वो डिवाइड हो जाता है। जीरो आने का मतलब ये है, मॉडुलस में जीरो आने का मतलब ये है कि वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फ्लैग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम फिर दोबारा उसमें कंडीशन लगाएंगे कि अगर फ्लैग फॉल्स है, अगर फ्लैग फॉल्स है तो वो फिर वो नंबर प्रिंट कर दे। नंबर क्या है, अगर 1 मॉडुलस बाय 2 करते हैं तो इक्वल टू 0 आ जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हालांकि ऐसे होता नहीं है। और एक और बात, ये बूल का भी आगे वो पहले क्वेश्चंस में भी हुआ कि बूल इसके अंदर लगाएंगे, अगर बाय लगाएंगे तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमने इसको दोबारा रिफ्रेश करना है, बार बार चलाना है। मैं इसको रन करता हूँ,
तो ये देखें क्या कर रहा है, 1, 3, 5, 7, 11, 13 उसकी जो प्राइम नंबर है वो वैल्यूज प्रिंट करता जा रहा है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 समझ आया? सही हो गया? हो गया। किसी के बाकी क्वेश्चंस में कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। अब उससे निचला क्वेश्चन है कि उसमें हमने क्या करना है, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। क्या करना है? फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे कोर लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। इंट एन कर लो, एन इज इक्वल टू 1 और जो एन है लेस देन और इक्वल टू आई आएगा। सॉरी नम आएगा और एन प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या कह रहेगा वो, एक और वेरिएबल यहाँ पे लेंगे फैक्टोरियल का, वो क्या करेगा फैक्टोरियल करेगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एन करता जाएगा और नीचे वो सी आउट कर देगा। ये प्रोसीजर है प्राइम नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करने का। समझ आया? जी जैसे जैसे वो प्राइम नंबर को ट्रू करेगा, फ्लैग करेगा, ट्रू करेगा उसको, जैसे प्राइम नंबर फाइंड कर लेगा फिर वो उसी नंबर का क्या करेगा फैक्टोरियल फाइंड करेगा और उसको सी आउट कर देगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो भाई, या किसी को कोई और क्वेश्चन समझना इसके अलावा भी हो? अच्छा अली वो क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला सर? वो इवन ऑड वाला जी सर, कर लिया था सर? जी सर। तो वो किस तरीके से किया, वो उन्हें अपने तरीके से समझाया सर? सर जिस तरह आपने कहा ना कि अगर ऊपर लगाते हैं तो फैक्टोरियल वो नंबर के प्रिंट करने में जगह इवन से करेगा या ओड के करेगा, बाकी जो नंबर उसकी जगह वो वन वन प्रिंट कर देगा। कोड शो करोगे जरा अपना वो वाला, अगर तो पढ़ा हुआ है तो? सर बना हुआ तो नहीं, बनाना पड़ेगा। चलो तो मैं साथ साथ। चलो ठीक है, ओके, चलो कोई मसला नहीं। सुनो आपको कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें बेशक। अभी तो लास्ट बार कल अली स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन भाई मैंने बंद किया, कुछ समझना है? मैं दोबारा कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है खोलो। जी लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या समझना है वो? एक मिनट बस। यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना कि जो अगर वो प्राइम नंबर ट्रू होता है तो वो प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा इस कंडीशन में, अगर फ्लैग होता है तो क्या करेगा प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा। अब जो नंबर आएगा हमने उसका फैक्टोरियल ले लेना है। अरे हम आपको क्या मसला आ रहा है शाबाश? ठीक है वो मैं नोट कर रहा था तो अच्छा अच्छा नोट करना है ठीक है। आप इसको थोड़ा सा वो कर दो ना, जूम आउट कर दो अपना अली,
तो वो नोट अगर करना चाहे या स्नैप लेना चाहे तो ले ले। कोड अपना किसी के साथ शेयर नहीं करने, ठीक है? ओके ठीक है, चलें सही है। रिकॉर्डिंग बेशक ऑफ कर दे अली। ठीक है सर, शुक्रिया यार, थैंक यू।